नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंच। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड की एक शानदार स्कीम के बारे में, जो हमारे लिए लमसम इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में, उसके बाद हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे आप 25,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करके 1.59 करोड़ रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक्सिस म्यूचुअल फंड की स्कीम का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह एक स्मॉल कैप फंड है जो स्मॉल कैप वाली कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है। जब से यह स्कीम स्टार्ट हुई है, यानी जनवरी 2013 से लेकर अब तक, स्कीम ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इसलिए अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं, तो इसमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन फंड्स में आपको अपने रिस्क प्रोफाइल देखकर ही निवेश करना चाहिए। अगर हम इस स्कीम के रिटर्न की बात करें, तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 24.53% का है। इस स्कीम का 5 साल का CAGR रिटर्न 20.36% का है, और पिछले 3 साल में स्कीम ने 27.54% रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल की बात करें तो इस फंड का रिटर्न 19.50% का है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए 500 रुपए और लमसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड का NAV अभी 64.69 रुपए चल रहा है। इस स्कीम का फंड साइज है 9,261 करोड़ रुपए का, यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.46% का। ये तो बात हुई स्कीम की डिटेल्स की। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कई तरीके होते हैं। एक होता है SIP, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार RD की तरह अलग अलग किस्तों में एक फिक्स अमाउंट जमा कर सकते हैं। दूसरा होता है लमसम इन्वेस्टमेंट का, इसके अंदर आप एक बार FD की तरह पैसे जमा करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तीसरा होता है SWP प्लान, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, इसके अंदर आप एक बार पैसा जमा करके हर महीने एक फिक्स इनकम सेट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस स्कीम में 25,000 रुपए एक बार लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर रिटर्न जो हमने एक्सपेक्ट किया है वो है 24% का, जो कि स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर हम 24% का रिटर्न सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मान कर चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में यह 24% से कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आप इस पैसे को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 48,291 रुपए का। 25,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 73,291 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,89,861 रुपए का। 25,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 2,14,861 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 6,04,891 रुपए का। 25,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 6,29,891 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 18,21,604 रुपए का। 25,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 18,46,604 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 53,88,550 रुपए का। 25,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 54,13,550 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1.58 करोड़ रुपए का। 25,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 1.59 करोड़ रुपए होंगे। इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर एक साथ 25,000 रुपए जमा करके 30 साल में 1.59 करोड़ रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, फंड कंपनी की वेबसाइट से, दूसरा ब्रोकर के थ्रू, और तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा। अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं, तो अपस्टॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और इस प्रकार डायरेक्ट इन्वेस्ट करके आप 1.5% तक का ब्रोकरेज एक्सपेंस बचा लेंगे। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.moneymunch.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।